good. ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE सुपरस्टार्स के एम्बैरेसिंग एंड फनी मोमेंट्स के बारे में, जो कि डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखना। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। अगस्त 2016 स्मैकडाउन, यहाँ पे बैकी लिंच वर्सेस ईवा मरी का मैच होता है। यहाँ पे ईवा मरी का एंट्रेंस कंप्लीट होता है और रेफरी यहाँ पे रिंग द बेल जैसे ही कराते हैं, यहाँ पे ईवा मरी का रिंग गियर खुल जाता है, जो कि तुम देख पा रहे हो काफ़ी फनी था एंड लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन यहाँ पे रेफरी उनको तुरंत टावल देते हैं और वो कहते हैं कि बैक स्टेज भागो, और ईवा मरी भाग जाती हैं। बैकी लिंच के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। सर्वाइवर सीरीज 2018, यहाँ पे सेमस एंड सुजारो वर्सेस एओपी का मैच था। यहाँ पे एओपी के साथ ड्रैक मैवरिक होते हैं और सेमस एंड सुजारो के साथ बिक्सो होते हैं। मैच में इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आता है जब यहाँ पे ड्रैक मैवरिक को पकड़ लेते हैं बिक्सो, और उसके बाद भाई ड्रैक मैवरिक इतने डर जाते हैं कि तुम देख पा रहे हो अपनी पैंट गीली कर देते हैं, जो कि काफ़ी एम्बैरेसिंग था। मतलब भाई लिटरली ये बंदा पैंट गीली कर देता है, तुम देख पा रहे हो। ऑडियंस का तो भाई बुरा हालत था, हंसते हंसते यहाँ पे इनफैक्ट बिक्सो की हंसी निकल गई थी। थर्टी अगस्त 2016 स्मैकडाउन, यहाँ पे डीन एम्ब्रोस वर्सेस बैरन कॉर्बिन का मैच चल रहा था और यहाँ पे एरी स्टाइल होते हैं रिंग साइड पे एज कमेंटेटर, उन्होंने मैच को ज्वाइन किया था। मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे एजी स्टाइल काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करते हैं दोनों ही बंदों को, और एक मोमेंट पे वो यहाँ पे कॉर्बिन के ऊपर अटैक कर देते हैं गलती से, जिससे यहाँ पे मैच डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है और एम्ब्रोस यहाँ पे अटैक कर देते हैं एजी स्टाइल्स के ऊपर। इसके बाद बैरन कॉर्बिन भी आ जाते हैं एंड कॉर्बिन यहाँ पे डीन एम्ब्रोस को रिंग के अंदर लेके जाते हैं, और रिंग के अंदर जाते ही वो डर्टी डिस्क पड़ जाता है उनको। एंड इसके बाद एजी स्टाइल सही टाइम देख के फिनोमिनल फोरन लगाने वाले थे एम्ब्रोस को, लेकिन एम्ब्रोस कुछ इस तरीके से रोक देते हैं, जिसके बाद तुम एजी स्टाइल्स की हालत देख पा रहे हो। मतलब क्या फील कर रहे हैं यहाँ पे एजी स्टाइल। एम्ब्रोस यहाँ पे बोलते हैं भाई कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, और वो कुछ और भी मजे लेने लग जाते हैं एजी स्टाइल का। एंड इसके बाद फाइनली वो अपने WWE चैंपियनशिप को लेते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। WrestleMania 28, यहाँ पे डैनियल ब्रायन वर्सेस सेमस का WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था, और यहाँ पे एजे ली भी होती हैं रिंग साइड पे डैनियल ब्रायन के कॉर्नर में, एंड यहाँ पे गुड लक किस भी करते हैं डैनियल ब्रायन। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है यहाँ पे सेमस ब्रोकिक लगा देते हैं और 1-2-3 हो जाता है। मतलब पलक झपकते मैच को जीत जाते हैं सेमस, जिसके बाद रिएक्शन तुम देख पा रहे हो ऑडियंस एंड डैनियल ब्रायन दोनों का ही। June 2003 मंडे नाइट रॉ, यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन होते हैं रिंग में और उनकी बस वही बियर पार्टी चल रही होती है, तब यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन आती है और वो उस टाइम जर्नल मैनेजर थी, तो बस वो स्टोन कोल्ड को परेशान करने का काम करती थी। इन दोनों के बीच यहाँ पे प्रोमो सुनने को मिलता है, जो कि एक घटिया सा प्रोमो होता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आता है जब स्टोन कोल्ड उनके पास एक बियर का पूरा कैन होता है, या फिर चलो पूरी पेटी होती है, वो यहाँ पे स्टेफनी के गले में डाल देते हैं, और उसके बाद स्टेफनी को काफ़ी गुस्सा आता है एंड फाइनली स्टेफनी कहती है जल्दी से तुम इसे हटाओ। एंड वो हटाने के चक्कर में तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे ही वो खींचते हैं स्टेफनी का टॉप भी निकल जाता है उसके साथ, जिसके बाद स्टेफनी तो काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करती है, वहाँ से दौड़ कर वो बैक स्टेज भागने लग जाती हैं, और स्टोन कोल्ड का रिएक्शन तुम देख ही पा रहे हो, ऑडियंस तो वैसे पागल हो जाती है। तो यही थे टॉप 5 WWE रेसलर्स के एम्बैरेसिंग एंड फनी मोमेंट। इनफैक्ट इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था, मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और YouTube पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।